हेलो गाइस, कैसे हैं सब। आज मैं लाया हूँ आपके लिए सीएनसी मशीन पर हम चक कैसे खोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हाँ, जो कोई भी चक खोलता है तो मैक्सिमम टाइम वो फंस जाता है उसमें। तो आज मैं आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊंगा आपके सामने ही। अभी चक पूरा चक खुलेगा, ये चक अभी घूम रहा है, ये अभी इसको हम खोलेंगे। वैसे ये रहता है, अभी इसको हम क्लैंप डी क्लैंप करेंगे। अभी हमने इसको क्लैंप कर दिया, ये इसके बोल्ट लगे हुए हैं, ये 8 की एलेंकी से खुलते हैं। अभी यहाँ पे हम इसको पहले हम लॉक करेंगे ताकि हम इसके बोल्ट आराम से खोल सकें। उसके लिए M19 कमांड होती है, M19 हमने कमांड देनी है। ये ऐसे इसको हम इंसर्ट करेंगे, रन करेंगे इसको। तो अभी ये लॉक हो गया है, अभी आसानी से नहीं घूमेगा, ये इस पोजीशन पे लॉक हो गया। अब हम इसको आराम से खोल सकते हैं। यहाँ पे हम सिस्टम के ऊपर इसकी हम फुट स्विच की हम इनपुट चेक करेंगे। ऐसे चेक करते हैं, एक्स आपने इनपुट करना है, सर्च करना है, तो एक्स की इनपुट है जितनी भी सारी यहाँ पे आ जाएगी। मैं फुट स्विच दबाऊँगा और कैसे इसकी इनपुट आ रही है यहाँ पे 0101। कोई भी इनपुट आप चेक कर सकते हो, आपको कोई भी सेंसर से रिलेटेड इशू, टैग रिलेटेड, स्पिंडल, एनी टाइप इनपुट आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आप ये देखो, ये फुट स्विच की है, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, 0101 हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, वर्किंग में है ये। तो अभी ये देखिए, ऐसे इसको खोलते हैं। इसमें 6 बोल्ट लगे हुए हैं, तो सारे के सारे बराबर ही आपने खोलने हैं। ऐसे नहीं कि हाँ, 2 वोल्ट आपने पहले खोल दिए, 2 वोल्ट बाद में, ये आपने बराबर ही आपने ये खोलने हैं। ऐसे सारे बोल्ट आपने निकाल लेने हैं। इसको अनलॉक कर दिया है ताकि हम इसको आराम से घुमा के हम कुछ बोल्ट खोल सकें। नॉर्मली गाइस, हम चक हम ऊपर क्यों करते हैं, चक ग्रीसिंग के लिए ही करते हैं। हम इसके लिए चक ग्रीसिंग क्यों करते हैं चक में, क्योंकि चक के ऊपर ही जॉब हमारी क्लैंप होती है। अगर कोई भी साइज वेरिएशन इशू आता है, आईटी ओडी में कोई भी वेरिएशन इशू आता है, तब हम चक खोलते हैं। अंदर का भी कप होता है, 4 की एलंकी के बोर्ड लगे होते हैं इसके ऊपर, इसको भी बाहर निकालते हैं। ये भी आसानी से बाहर नहीं निकलता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे बाहर निकालते हैं हम इसको। अभी इसके पहले 3 माउंटिंग बोल्ट हैं, ये भी ओपन कर रहे हैं। ये जो अंदर ड्रावर लगी हुई है उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि इसके अंदर कोई चिप्स ना जाए। अभी आपने इसको खोल लेना है और पाइप से इसको थोड़ा वाइब्रेट करना है इसको। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। भाई ऐसे तो आपने कभी नहीं करना है। क्या होता है, क्लैमिटी क्लैंप अगर आपके पैर से हो गया तो ये आपको लॉस करेगा। ये उंगली भी आपकी इसमें इंजर्ड हो सकती है। आपने नॉर्मली
किसी चीज से ही आपने इसको वाइब्रेट करना है इसको आपने, क्योंकि अंदर ये चिप्स फंसे हुए हैं तो ये फंसा हुआ होता है। क्लैंप डी क्लैंप आपने कंटिन्यू करते रहना है इसको, अपने आप ये बाहर निकल जाएगा। ये अभी देखना आप, ये देखो आ गया बाहर ये अपने आप। ऐसा अपने पाइप से इसको थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते रहना है, क्लैंप डी क्लैंप आपने इसको करते रहना है। खोल लो देखो गाइस, ये अभी ये खुल गया है, अभी घूम रहा है। अभी इससे बड़ा और टास्क है, अभी स्लिप ये चेक खोलना है हमने, क्लैंप करना। चेक पूरा जाम पड़ा हुआ है, अभी इसको हमने अब लॉक कर लिया हमने, अब इसको घुमाएंगे। ये पूरा जाम पड़ा हुआ है, ये तो इसको भी मैं बताऊंगा, इसको भी आप कैसे आप खोलोगे। अभी ड्रावर फंसी है, यहाँ पे फोकस करो। ये ऐसे आपने हल्की लगा देनी है इसको, थोड़ा मूवमेंट देनी है इसको कि हाँ ये ओपन नहीं हो रहा है। करो तो भी हम बाहर को खींच लो पूरा। नॉर्मली क्या करेंगे, चक को हम ऐसे ही बाहर निकाल देंगे, हम ऐसे ही इसको बाहर निकाल। बाहर निकल गया और ड्रावर अंदर रहेगी इसकी। अभी हम ड्रावर भी इसकी खोलेंगे हम, ऐसे फिर आराम से ड्रावर खुल जाती है। ये देखिए ये अंदर पूरा का पूरा जंग लगा हुआ है, तभी ये ड्रावर ये निकल नहीं रही है। ये वाली जो फ्लैंज होती है चक्के के अंदर होती है, इसके थ्रेड सारे जाम हो गए। तो अभी हम इसको खोलेंगे, देखो ये ऐसे आराम से खुल जाती है। वॉइस आपने भी ऐसे यही प्रोसीजर करना है आपने, इसी से आप आराम से आप जब बिना किसी टाइम से आप आराम से इसको खोल सकते हो। ऐसे आपने इसको ये पूरा खोल लेना है, ड्रावर पूरी बाहर आ जाएगी आपकी। ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है, ये देखिए ये ड्रावर ये थ्रेड लगे हुए हैं, ये वहाँ पे जो हमारा क्लैंप डी क्लैंप सिलेंडर है उसको माउंट होता है। दोस्तों अब हमने इसको खोल दिया, देखो ये पूरा पूरा अंदर से जाम पड़ा हुआ है, इसके जा टोटली जाम पड़ा हुआ है इसका। ये अभी हम इसको क्लीन। ओके गाइस, अब आपके सामने ये चक का हमने पूरा फुल खोल दिया है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।